करते हुए पकड़ लिया साले। आज ओ सॉरी भूपिंदर। आज भूपिंदर बना रही है सैंडविच। वाओ, अपने पास चीज की थोड़ी कमी हो गई है इसलिए इसलिए हमने चीज को डिवाइड करके डाला। अरे वाह भूपिंदर, आपने ब्रोकली भी डाल ली इसमें। मेरे को लगा था कि नहीं डलेगी। लेटस डाला। ये वही लेटस है जो हम स्पेशली जिम के लिए लाए थे और अब सैंडविच में खा रहे हैं उसको। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। और अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है और ब्रेकफास्ट तो हो रहा है पर टाइम हो गया काफ़ी, क्योंकि रात को वही लेट वेट तो हो गया। हम गए थे मूवी देखने और हम वापस आए थे 2:30 बज गए थे, इतना टाइम हो गया था। अभी ऐसे हैं कि करते हैं ब्रेकफास्ट और आज हमने कुछ काम नोट डाउन करे हैं कि उनको आज निपटाना है, बाहर के कुछ काम हैं तो वो करेंगे आज। हाँ देखो ऊपर देखेगा एक आंख ऊपर करके। हाँ ऐसे देखता है। यार ये ऐसा चोर बंदा है, मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ और यहाँ से उठा के ले गए बीच में। खा लो एक पीस। इधर ला, इधर दो मेरा। खुद का खत्म कर लिया और अब मेरा खाओगे। थोड़ा अलग सा टेस्ट कर रहा है पता, हमने वो ब्रोकली और तो आप ये टेस्ट समझने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे को पहले में नहीं आया। मेरा तो नहीं खराब है कहीं। अच्छा नहीं है। नहीं थोड़ा ना ऐसे वो रॉ वाला टेस्ट कर रहा है। आज तो ऑफिस भी नहीं है तो फिर आज हो रहा है, आज हो रहा है वीकेंड एंजॉय। और मैं एंजॉय बोलूं कि मतलब इसको सफर बोलूं कि हम आज सफर कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ये हिसाब लगा रहा था सुबह कि जिस दिन हम ट्रैवलिंग नहीं कर रहे होते ना, कहीं बाहर नहीं जा रहे होते, उस दिन हम पूरा दिन वेस्ट कर रहे होते हैं टाइम। अभी ये आपको ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट बोल रही है, टाइम पता कितना हो गया है, 1 बज चुका है। क्योंकि रात को हम आए थे मूवी देख के और उसकी वजह से हम हो गए थे लेट, तो फिर सुबह उठे, मैंने तो वीडियो भी बनाई है ना, तो इतना चलता है। और जो मूवी थी मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। मतलब पिछली मूवी में जितना वो दिखाया था ना उन्होंने, इसमें भी उसी की टक्कर का है, बट ऐसे एंड में बिल्कुल ही सरप्राइज मिलता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी अगर आपने नहीं देखा। आप खुद ही देखो ना। और मैं अपना रिव्यू बताऊं तो मेरे को मूवी मतलब अगर क्लाइमेक्स छोड़ दो बाकी एवरेज लगी। मतलब ऐसा है कि बड़ी स्लो पेस है मूवी ना, मतलब ठीक है चीज़ें बिल्ड करी हुई हैं साथ साथ जोड़ के, एकदम कनेक्टेड है सारी चीज़ें, लेकिन स्टिल एक बहुत स्लो पेस पे चलती रहती है मूवी। बोरिंग नहीं है, बोरिंग कहीं पे भी नहीं है, लेकिन मतलब उतनी तेज पेस में चलती नहीं है मूवी जितनी चलनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये लड़की खाए जा रही है। मैंने एक बाइट मांगी थी, मेरे को तो नहीं, तब से लगी हुई है खाने में। आपने कभी जड़ों की सब्जी खाई है? कौन सी जड़ें? किसी भी चीज़ की। हमारे ना मतलब मेरे को याद है ऐसे बचपन की चीज़ें हैं, तो एक निकलती होती थी, एक जड़ निकलती होती थी। कौन सी वाली जड़? उसको यार पता नहीं, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली उसका नाम। तो हम उसको ना खोद खोद के निकालते थे, नीचे ज़मीन से निकलती थी, फिर उसके काट के सब्जी बनाते थे, बहुत टेस्टी बनती थी। और वो पता कैसा होता था, थोड़ा उसका टेक्स्चर ना ऐसे अरबी और आलू जैसा होता था, खाने में ऐसा सा होता था, अदरवाइज तो वो जड़ी होती थी। उसको स्पेशल कहीं एक जगह होती थी, वहां से खोद के लेके आते थे। अब तो कौन पूछता है ये सब चीज़। हमारे यहाँ पे चिबड़ की सब्जी बनती है। चिबड़ बोले तो? चिबड़ बोले तो छोटा सा दवाना। इतना सा अरे नहीं, छोटे छोटे होते वो ऐसे, मतलब वो है जंगली पौधा है, उसको फल लगते हैं इतने छोटे छोटे गोल गोल हरे पीले से, उसको भी काट के बना लेते हैं लोग, चटनी भी बनाते हैं उसकी। मालवे च बहुत खाते। चलो चलिए, लेट हो गया। चल चलिए। लेट वर्ड तो यार अपने डिक्शनरी से निकाल दो, क्योंकि हम हमेशा लेट होते हैं। इसलिए भी कि हम लेट नहीं होते हैं, इसलिए कि हम हमेशा ही लेट होते हैं। लेट तो कोई बात नहीं उसकी। हम जा रहे हैं, अभी कुछ काम है हमारे पेंडिंग,
तो ये वाला वीकेंड फ्री था, तो हमने सोचा कि वो कर लेते हैं ख़त्म, वो करेंगे। और उसके अलावा ना मैं सोच रही थी, जो मैंने एक सूट मंगवाया था ऑनलाइन उसको मैं स्टिच करवाऊँ, पर मैं अभी डाउट में हूँ क्योंकि उसके लिए ना स्पेशल जाना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ा दूर है यहाँ से। सो देखती हूँ लेके जाऊँगी साथ में, अगर मिला ऐसे हमें टाइम, अगर हमें लगा कि हम उधर को जा रहे हुए तो करवा लूँगी, नहीं लगा तो फिर कभी जाएंगे। और मैंने ना आज से 1.5-2 महीने पहले अपनी एक शर्ट दी थी, मतलब उसमें थोड़ी ऑल्ट्रेशन थी करने को, ऑल्ट्रेशन के लिए मैं एक बारी के लिए ना उसको भूल चुकी थी, और अभी मेरे को 1-2 दिन पहले याद आया कि यार मेरी वो शर्ट कहाँ पे, फिर मैंने उसको कल कॉल करा और उसने वो अभी तक सही नहीं करी है, अभी वो गया गोवा घूमने, कहते गोवा से आएंगे उसके बाद करूँगी उसको ठीक। मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, सिर्फ ये वाला लेती हूँ। जितेंद्र ने हवा भरने का जुगाड़ खुद ही रखा हुआ, अपने अपने एक टायर में होगी हवा कम। अच्छा इससे हवा भरो या आप उधर जाके हवा भरवाओ, कोई डिफरेंस है? नहीं ये क्वेश्चन का ही मेरे को समझ नहीं आया, क्यों पूछा? हाँ वैसे होना तो नहीं चाहिए, मतलब हवा तो हवा ही होगी, प्रेशर तो इसका भी उतना वो ही, भर दी हवा तो हो गया। हम कौन सा नाइट्रोजन भरवाते हैं वहां जाके? ये तो वैसे मैं भी कर सकती हूँ, तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे घुमा के बंद कर दो, है ना? और इस तरह से सेट करो, आपको कैमरा यहाँ ऑन करती हूँ। अभी हम खाएंगे पहले खाना, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो लंच के टाइम पे हुआ था। खाने का भी देखना पड़ेगा, पता नहीं होगा कि नहीं, 4 बजे होगा। दिल से आप किसी चीज को चाहते हो ना तो वो आपको मिल जाती है, सो मैं चाह रही हूँ कि हो, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा नहीं है। है। पर आज कड़ी मिल जाए यार, पिछली बार कड़ी नहीं मिली थी, छोले खाने पड़े थे। कड़ी आज भी नहीं मिली, आज तो ना तो छोले मिले ना राजमा मिला, आज हमें मिली है दाल, माँ छोले की दाल। ये भी ट्राई कर सकते हैं ना, लग तो अच्छी रही है, देखते हैं टेस्ट करके। खा सकते हैं पर कड़ी तो नहीं है ना यार, क्या बात है, साथ में खीर वो भी घर की लग रही है। बेरका जैसी बेरका से बेटर है, ये भी लास्ट ही बची थी। हम यहाँ पे अगर ये कड़ी छोले राजमा ये सब कुछ है, पर हम हमेशा कड़ी खाते थे, और जब से कड़ी नहीं मिल रही तो हमने हर कुछ ट्राई कर लिया, और आज जो खीर खाई है बहुत मस्त सी थी। मेरे को तो दाल भी अच्छी लगी थी। नहीं दाल तो अच्छी थी वो नहीं है, बट एक कड़ी खाने का हो रहा था ना वैसा, तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, अब दूसरा काम करते हैं पहला हो गया है। उधर ना पीछे बहुत अच्छी बननी थी, पता क्यों? सनसेट ना देखो भाई, सनसेट कसौली का सनसेट पॉइंट से ही नहीं दिखता है, यहाँ भी दिखता है, ये पंजाब में भी है ना। पीछे ना थोड़ी ज्यादा बढ़िया आना था, वहां पे वो थे खजूर के पेड़, तब तक देर हो चुकी, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। इतना बेसुरा क्यों गाए, इतना बेसुरा क्यों गा। टॉक टू माय हैंड, जस्ट यू टॉक टू माय हैंड। सूट छोड़ने का हमें टाइम मिल ही गया है, हमने सोचा कि चलो अब सूट रख लिया है तो छोड़ाते हैं। टाइम बच गया है और निकलेंगे तो कल, पता चले कुछ और प्लान बना लिया हमने किधर और का तो फिर रह जाएगा। और अपनी ना अपनी जो जगह हमने सोची थी सोची है अभी है ही बोलूंगी, जो मैरिज एनिवर्सरी पे, वो अभी फाइनल नहीं है कि हम कहाँ जाते। यार एक तो फोन बहुत चलता है, इतने खड्डे हैं ना ये पंजाब में। अच्छा अभी जगह का कुछ फाइनल नहीं है क्योंकि कॉन्टैक्ट तो वैसे हो नहीं पा रहा कुछ अच्छे से उनसे। तो अपना थोड़ा ऐसे हो रहा है, जगह थोड़ा शायद चेंज कर दें, पता नहीं। और ये मैं दिखाती हूँ सड़कें, ये देखो, अरे वो साथ में देखो, ये पॉन्ड देखो कितना सुंदर है, ये वाह 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 वाह। और नेगेटिव लोग अभी यार ये रियलिटी है, क्या कर सकते हैं इसमें। तुम ये देखो ना क्लास कितना भरा हुआ, तुम ये क्यों देखते हो कि कितना खाली है? पर खाली भी तो है ही है ना, वो भी तो किसी को देखना ही पड़ेगा। तो अभी देखना ये सड़क, और मैं बताऊ ना ये बनी थी महीना पहले और इसका महीने में ये हाल हुआ है।
अब वो जो सामने लाइट लगी है ना लाल नीली पीली जल रही है, हाँ। मुझे लगा यहाँ पे रोड लाइटें क्यों लगा रखी है। ये अच्छा ऑप्शन है, पता क्या, आप अपने बालकनी जब थोड़ा चेंज कर रहे हो तो आप यूज कर सकते हो, ये भी अच्छा ऑप्शन है। सब ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, शलगम भी नहीं अभी नहीं, बस आप ये लो शिमला मिर्च, अदरक ले लो, अदरक रोटी दसो कि लेनी है, रोटी दिखाना कितनी बड़ी है साइज, 300 रुपए का रेट था ना 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 हां दो था, एक लेनी है, कितने दी, कितने दी, 15 दी, चार ले लें, चार दे दो, ये पहाड़ी का पेड़ सब ले आवा माड़ा मोटा। आज अपना YouTube बंद करेंगे आप थोड़ी देर के लिए, जो नहीं करता ये पूरे एंजॉय कर रहे हैं वीकेंड के। और आज ना हम मंडी गए बहुत टाइम के बाद, जो कभी हम कोरोना से पहले जाया करते होते थे, हफ्ते में एक बार तो जरूर जाते थे। और यार इतनी और यार उस टाइम पे चीजें ना मंडी में सस्ती मिलती थी, अब तो ऐसे लगता है कि मंडी में भी बहुत महंगी मिलती है। अब तो मंडी सिर्फ इसलिए जाते हैं कि फ्रेश मिल जाता है। तो मंडी गए हमने, जो नहीं भी खरीदते सब्जियां हमने वो भी खरीद ली। और सबसे अच्छी चीज़ हमें क्या मिली कि साग ना ऐसे दिख रहा था बहुत हरा भरा, मेरे को तो बहुत पसंद है, तो लिया नहीं क्योंकि बनाने में बहुत जहमत लगती है। अभी पिछले ही हफ्ते बनाया था मैंने, तो हुआ यूं कि जतेंद्र को दिखे एक अंकल, तो कहते वहाँ पे ना अंकल ना एक साग और मक्की की रोटी बेच रहे हैं, तो फिर मैंने तो मैं चलो चलो अभी तो वही खरीदेंगे जाके, है ना। फिर हमने बना बनाया, साग खरीदा, पहले चखा, उसकी खुशबू ली, फिर अच्छा लगा, फिर हमने मक्की का साग साग खरीदा और मक्की की रोटी साथ में अभी खाएंगे रात को डिनर में। पर अच्छा है यार, मतलब ऐसे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोनों चीज़ों में, साग बनाने में भी और मक्की की रोटी बनाने में भी, बहुत सारी मक्की का साग और सरों की रोटी बनाने में। कुछ भी बोल रही है, कुछ भी, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मतलब अच्छा यार कि आपको बना बनाया मिल जाता है ना, ऐसे तो कौन इतनी जहमत करे। सो आज हम बहुत खुश हैं कि हमें बना बनाया साग मिला है। वो तो है, साग दिखा दो, ये देखा, ये बंदे ने फिर उबासी ली है मेरे इसमें व्लॉग में, काट देना वो, ये नहीं कटेगा। साग मैंने दिखा दिया ऑलरेडी जब खरीद रहे थे, तो मैंने दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, तो बताना। टेस्ट मैंने कर लिया था, बहुत टेस्टी था, उधर मैंने सबसे पहले टेस्टी किया है। तो करें इस वीडियो को फिर एंड, आज जितेंद्र एंड करेंगे वीडियो को, चलो मैं नहीं करने वाला, करो करो, मेरे से ना होती वीडियो एंड। करो, मेरा तो मन ही नहीं करता वीडियो एंड करने का, तो चलती रहे, चलो करो एंड, चलो ठीक है गाइस फिर वंस मोर चलो ठीक है गाइस फिर हम लोग करते हैं सरों का साग और मक्की की रोटी एंजॉय और मनाते हैं वीकेंड, है ना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।